तो अभी हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। फिलहाल अचानक तचानक हम लोग का प्लानिंग बनता है। मनोज सर है इधर जी है। और हम लोग उड़ीसा तरफ आज घूमने जा रहे हैं, कुछ कुछ सामान लेके जा रहे हैं। और अभी करीबन बज रहा है भाई 12:15। इधर गाड़ी पलट गया है क्या? आज ही पलटा है। हम लोग गाड़ी उधर खड़ी हुई है। आज सुबह सुबह वही 9 बजे आसपास का पलट गया है। दादा दादा पार हो ये जल्दी। कैसा जैसे में तो रुको 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 हाँ पहला। हम लोग नेशनल जो NH रोड है 18 क्रॉस कर रहे हैं दूसरे साइड। हाईवे को क्रॉस कर रहे हैं और ये है ब्लू चाय। क्या है उसमें? चाय डाले हो उसमें? क्या डाले हैं पत्ते से? इसमें पत्ता है, रोटी है, सब्जी है, रोटी है, सब्जी है। इधर हम लोग गाड़ी इसमें क्या डाला हुआ है? मनोज सर पहले पहले बैठ गए हैं। हाईवे है इधर, गाड़ी उड़ी पूरा आना जाना करते रहती है एकदम। तो सब पे बैठ गए ना? बैठ गए। इधर हम लोग के लक्ष्य मैडम ना, तो पीछे दादा मजा आएगा ना दादा? हाँ मजा आएगा। इधर मनोज है। इधर हम लोग का सफर इधर। हम लोग जा रहे हैं बंगरी पुसी मुंबई रोड। सीधे मुंबई जाती है ये वाला रोड। इसी रोड में जाएंगे, इसी रोड में जहाँ पहाड़ घाटी मिलेगा वहीं घूमने जा रहे हैं हम लोग। पावन घाटी हमारा झरिया मुंबई चौक नाम तो है। झारपोखरिया, झारपोखरा एरिया पड़ जाता है। कहाँ से लेंगे सर? यही मिलता है हम लोग को जाना। लेकिन किधर है? सीधा उधर जाना, सीधा। तो हम लोग ले लेते हैं उधर। आगे तो दुकान है, मिलेगा तो आगे भी दुकान मिल जाएगा। अच्छा चलिए बांगरी पूसी अंदर घुसना होगा ना। इधर बरीपदा हम सोचिए कि ऊपर से पार हो जाएंगे, वो आगे से ये बरीपदा से पहले ही रोड है। कहाँ लेना मिल जाएगा सर? वो तो दुकान दिख रहा है। इधर क्या है फातू? सीधे उधर क्या रास्ता है? ये है इधर सीधा सरसकुना है। सरसकुना सुभाश्रिया और ये लोग का घर। अभी हम लोग को जाना उधर सीधा, ये सीधा मुंबई रोड है। मस्त है क्या? ऑफरोडिंग हो रहा है सर, ऊंट का सवारी करने मजा आ रहा है ना सबको को। देखो इंग्लिश पिक्चर शूटिंग सब में होता है, इसीलिए लकड़ी सब दिखाता है, इसीलिए पत्थर सबको दिखाता है, इसी में तो शूटिंग करता है। ऐसे ही में तो सर सटा आगे क्या? हाँ इधर भी है।
अभी से ही लग रहा है कि बहुत ही मजा आने वाला है जहाँ जा रहे हैं वहाँ। टोल गेट खुल गया आगे अभी हम लोग पहुंच गए हैं ब्रह्मा कुंड। और आते साथ हम लोग का चन्ना पट्टी शुरू। क्या प्रिंस सर, टेस्टी लग रहा है ना चन्ना? एकदम बहुत टेस्टी है, चन्ना टेस्ट कर लेते हैं। मस्त है। यहाँ से आगे हम लोग जूता पहन के नहीं जाएंगे क्योंकि ब्रह्मा कुंड है और यहाँ लिखा भी हुआ है मछली मरना सख्त मना है यहाँ पे। यहाँ से हम लोग को जूता चप्पल खोल के जाना होगा, तो उससे चाहे कि जूता चप्पल अपना खोल लिया जाए। तो हम लोग अंदर घुस रहे हैं और ये इधर पूजा स्थल है। यहाँ पर ये पहले से ही है पूजा वाला, एकदम जब हम में आया था पहला उसी वाला सबसे पहले से है, सबसे अभी भी है। इधर घुसना है कि नहीं? पसान है, जा सकते हैं, जा सकते हैं, चल सकते हैं, इधर जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। आ जाइए पहले, इधर आ लीजिए ना, उधर जाएंगे। देख रहे हैं, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फोटो एकदम है। पानी देखो, देखो अभी फोटो लेंगे ना तो क्लियर नहीं दिखेगा, काहे कि पूरा एकदम अभी फोटो मार ले लीजिए, फोटो लेना ले लीजिए। और बड़ा वाला लोग बहुत बड़ा बड़ा मछली, और बड़ा बड़ा मछली, और बड़ा वाला लोग नहीं अच्छा लगता है। देवता लोग का मछली लोग है ये लोग। हतो सर थोड़ा अच्छा सा यहाँ की स्टोरी बताइए हम लोग को। स्टोरी कहा जाता है कि यहाँ ये ब्राह्मण कुंड कुआं है जो पहले एक जमाने में यहाँ के राजा और देवता लोगों के से ये निर्माण हुआ, प्राकृत ने अपने से निर्माण किया है और फिर ये वही देवता लोगों की ही ये से बना हुआ है, उन्हीं लोग का है। जितना भी पानी आए उधर से आए लेकिन ये लोग कभी भी भागते नहीं है। तेल मछली कभी नहीं भागते, कभी बोलने से कभी नहीं, कभी नहीं, और पानी ऐसे ही साफ रहता है। और ये लोग को मारना भी नहीं है ना? नहीं मारना नहीं, इन लोग को मारना और मारना भी नहीं है, खाना भी नहीं है। अगर मुझसे करोगे तो आपका कुछ नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ आए हैं ब्रह्मा कुंड, उड़ीसा में है अभी और बहुत अच्छा जगह है। सब तरफ देख सकते हैं चट्टान ही चट्टान है। इधर से हम लोग आए, लोग यहाँ बिस्किट खिला रहे हैं हम लोग अभी। बहुत ही खूबसूरत नजारा है। यहाँ गिराई ना भी, यहाँ ज्यादा लड़ाई होगा। खिचड़ फटड़ में ज्यादा मजा नहीं आएगा, थोड़ा दूर में पहले इधर दे लेते एक बार। रुकिए 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 रुकिए, उधर मत दीजिए ना। एक मछली कम से कम 3.5 किलो 4 किलो का होगा, और भी बड़ा वाला तो नहीं आया।
इतना मछली है मेरा फोन ही काम नहीं कर रहा है। वाला टेप में लीजिए, टेप में ले लीजिए। फिर हम लोग यहाँ पे हो जा रहा है। देखिए नजारा अच्छा सर, बहुत मस्त। ये दौड़ता है हमारा कंपटीशन चल रहा है। अरे देखो उधर पहले में भागा। अरे देखो देखो पहले गिरने से पहले। हाँ वो देख लेता है। और पहले में उधर गिर रहा है। चल भाई कैच करने। वो परी रहता है और भागता है। इतना आँख में तक ये नजारा तो बहुत अच्छा। हम भी एक दो अरे बहुत है उधर। इससे पहले रिंग जो था ना नहीं था, ये तो बाद में लगाया था। पूरा कंपटीशन लगा। ये सब देख रहा है यहाँ से। जैसे बिस्किट जिधर जा रहा है ना। चलो 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 और आगे जा लेते हैं, देखते हैं। हमारे सर लोग मैडम लोग इधर फोटो खिंचा रहे हैं। सर जी आ रहे हैं। नज़ारा तो बहुत अच्छा है, देख के बहुत अच्छा लगा है यहाँ। और ये नीचे साइड है, हम लोग अभी खड़े हैं इधर। ज़्यादा बड़ा जगह नहीं है, छोटा जगह ही है, लेकिन यहाँ से मछली जितनों भी बारिश आए जो भी आए बाढ़ भी आ जाए, लेकिन यहाँ का मछली यहीं रहते हैं, कहीं नहीं जाते हैं। और यहाँ भी है, देख रहे होंगे इधर किनारे में भी थोड़ा थोड़ा। एक होता है ना कि कहीं जंगल जा रहे हैं तो जंगल में बस क्या मिलेगा, नदी मिलेगा, पत्थर मिलेगा, पहाड़ मिलेगा, लेकिन यहाँ आके कुछ अलग ही अनुभव हो रहा है। यहाँ देवताओं का मछली सब है और वो लोग हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर। और साथ ही हम लोग उन लोग को बिस्किट भी खिला रहे हैं। धीरे धीरे करके यहाँ उतरना पड़ेगा, थोड़ा सा फिसलाट है। फर्स्ट यहाँ देवता लोग का पानी में पैर रख रहे हैं। बहुत ही ठंडा है। पत्थर भी कितना साफ। मछली लोग इधर में लोग बिस्किट देते हैं। चमक रहा है मछली, मछली चमक रहा है सर। इधर से मछली सब चमक रहा है। एक दो को मतलब गोल्डन गोल्डन लग रहा है थोड़ा। तो एक आग चौबीस फिट इधर से उतना नहीं दिखेगा, उस जगह से फोटो लेगा तो ऊपर से नीचे पूरा दिखते रहते हैं। बाप रे बाप, उसको इतना लेके भागाना एक तो उधर 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 पूरा डेग रहा है। इधर इधर से कोई ये नहीं हो रहा सर, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। नहीं तो बड़ा बड़ा आया ये, बहुत बड़ा है सर। अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं सभी को। और मैं अभी पीछे पीछे जा रहा हूँ। चलो आ रहे हैं प्लीज सर। बहुत ही ज़्यादा ठंडा है पानी, कनकनी सा। और फिसलाट भरा है पूरा, चिकना चिकना पत्थर देख सकते हैं होंगे। इधर देखिए उधर पानी, उसमें फोकस कर। उधर से इधर आ रहा है बहते हुए और मेरा पेंट पूरा भींग गया है। और इधर नीचे जा रहा है, बहुत ज़्यादा ठंडा है रे, बहुत ज़्यादा ठंडा है। मस्त दिख रहा है, पैर मेरा पूरा गोरा हो गया है। चलो 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 चलो, अब हम लोग इधर ऊपर तरफ जा रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ तो घूम लिए, तो
आगे देखते हैं और क्या क्या देखने को नज़ारा मिल सकता है, क्योंकि हम लोग को फर्स्ट बार यहाँ आए हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है कि मतलब देवता लोग का, मछली लोग का हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं, और ये मछली लोग को कोई मार भी नहीं सकता है। और एडवेंचर, घूमने के साथ साथ एडवेंचर, उधर देखिए कितना ऊपर तक है। और हम लोग अभी चढ़ रहे हैं, पकड़ पकड़ के चढ़ना पड़ रहा है। देख सकते होंगे कितना नीचे है, एकदम खाई सा है पूरा नीचे। बाकी भाई लोग सर लोग बोल रहे हैं कि मन नहीं भरा फिर आएंगे दोबारा, मन नहीं भरा है। बहुत ऊंचा है और इधर नजारा ऊपर का, कुछ कुछ जगह ऐसे होते हैं ना कि हम लोग सोचे भी नहीं रहते हैं कि इतना खूबसूरत जगह है, तो उनमें से ये एक है। बहुत ओसम जंगल के बीचों बीच, और आने टाइम कुछ रास्ता लग रहा था कि नहीं उतना खास तो होगा नहीं, पर आने के बाद लग रहा है कि अब यहाँ से जाए नहीं। जगह पर पानी गिर रहा है वहाँ पर, ध्यान से देखो अंदर अंदर में। थोड़ा सा आगे और थोड़ा जाते हैं, चट्टान है पूरा आगे सामने तरफ, और इधर लड़का लोग नहा रहे हैं, लड़का लोग नहा रहे हैं। और तो नहीं है उधर ना, ये जो जगह है इतना ही है, लेकिन ये बहुत ही ओसम वाला जगह है, मतलब दिल खुश कर देगा। तो जगह है ब्रह्मा कुंड, मालिक है मालिक, अंदर में बहुत है सर, अंदर में बड़ा बड़ा है, अंदर में बहुत बड़ा बड़ा है। अब मुश्किल काम है यहाँ से नीचे उतरना। सर एक और हम लोग अभी वापस लौट रहे हैं। प्रिंस सर वो जगह क्या वाला है सर? पूजा पाठ वो पहले से है कि और हम लोग ये जो क्या बोलते हैं प्रिंस सर इसको, हाँ पूजा स्थल, लेकिन कुछ पता नहीं क्या पूजा है लेकिन होता है। यहाँ ओरिजिनल यही है, सबसे पहले का सबसे पुराना पूजा स्थल यही वाला है, और मेन यही जगह पूजा का स्थल है सबसे पुराना बोलेंगे तो। अब क्या है वो तो उतना पता नहीं है, बाहर में हम लोग पूछ लेंगे। और हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, अब टाइम है जूता पहनने का। पूरा इधर भी एक बार दिखा दीजिए सबको, एक-एक करके। जान कानी के उद्भव पे नितारा अच्छा सीधा मोर ना जिन सो कना है राखी आए ना जहां ब्रह्मा कुंड को मता करना वहां तो नितुम तो चिकते हुई के ना एहत मा नितुम लीव ने नितुम माले बड़े वाले मन अच्छा ठीक है। जाहोक मोटामोटी आपे तो नेलती तो जहां नितो नेलो कना ऐसे जहाँ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱜᱮ ᱦᱮᱡ ᱟᱹᱜᱩ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱦᱮᱸ ᱥᱮ
चितान को उमुक कना है से जेमन नेता रे सब रा मेना हाइको हाइको तो नंदे के मेना को सब मतलब ये वाला भगवान का देन है बहुत बड़ा और इसमें कहा जाए तो ये पूर्वजों से ये परंपरा चली आ रही है और ये देवी देवताओं का बहुत बड़ा देन है और यहाँ आश्रय है उनके कारण ही ये मछलियाँ है और मछलियों को पकड़ना यहाँ वर्जित भी है। अभी हम लोग देखे यहाँ पर हम लोग जो किए है कि अपना जो आदिवासी कल्चर का जो लैंग्वेज है उससे हम लोग बात किए और मुझे भी थोड़ा थोड़ा कम ही संथाली आता है। मुझे मुंडा बोलिए, मुंडा बहुत अच्छा से आता है, समझते हैं, बात कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा बोल लेते हैं ना, पूरा नहीं बोल पाते हैं। तो हमारे गांव वाले जो भाई लोग हैं, दादा लोग हैं, उन्होंने थोड़ा बहुत बताया और अपना अपना लुतुम को उदुप तपे नितुम तबिन चित पलटन 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 श्यामा हस्ता सुमाय मुर्मू है, बलेश्वर सुरेम है, उन्होंने अच्छी तरह से ट्रांसलेट भी किया संथल का। तो अब हम लोग मिलते हैं, खुशी हुआ मिलके और आएंगे फिर हम लोग, ठीक है। जोहार की सुबेर को कलेक्ट करते नुआ को ये को अपलोड डाले यार 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 यार। समय हो गया है नाश्ता करने का, कोई हासिल नहीं है सबसे। अब हो चलिए खाने का टाइम, और मिलते हैं खाने के बाद में। खा लिए, खा के खत्म हो गया, अब यहाँ छोड़ने का समय आ गया है। तो अब यहाँ से हम लोग भागते हैं जल्दी पल्दी जितना हो सके।